नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी और INH में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है बिहारी थर्मामीटर यानी मूड ऑफ बिहार। बिहार दौरे पर है, लोगों को थर्मामीटर लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कर रहे होंगे, ब्लड प्रेशर वहाँ कहीं किसी नेता का बढ़ रहा होगा, वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए, हम और आप अपना काम करते रहेंगे। ये दौर और ये सफर है बिहार के मूड को समझने और समझाने का। इस सफर में आज हम पहुंच गए हैं सासाराम और मेरे पीछे ये आप खूबसूरत मकबरा देख सकते हैं, ये शेर शाह का मकबरा है और इसके ठीक सटे हुए ग्रैंड ट्रंक रोड जो कोलकाता तक सड़क जाती है, एक जमाने में बना था, आज भी वो है और चुनावी सरगर्मियां भी यहाँ काफी तेज हो गई हैं। इस मकबरे को की ये जो शेर शाह का ये मकबरा है, इसकी अपनी पहचान है, इसका अपना इतिहास है, इसकी अपनी कहानी है, वो फिर कभी किसी एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जरा सासाराम का चुनावी तापमान क्या है ये जरा समझते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, जरा इधर आ जाए, ये आप भी आ जाइए, ये आपके यहाँ आजकल चुनाव चल रहा है बिहार में, आजकल हम लोग घूम रहे हैं कि मूड क्या है, माहौल क्या है। तो दो तीन तरह के गठबंधन हैं जी, तो सासाराम का मूड क्या है? देखिए, अभी जो चुनाव हो रहा है जी, गठबंधन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो लोजपा यहाँ अपना अलग प्रत्याशी दिया है उसे NDO को भारी नुकसान होगा। दूसरा बात हम ये कहेंगे कि अभी जो हमारे जिला का स्थिति है, हमारा जो जिला है वो रेवेन्यू के मामला में पूरे बिहार में एक नंबर पर है। अच्छा, विगत 15 साल से नीतीश जी का शासन है लेकिन हमारे जिला को अपेक्षित किए हैं, यहाँ जो काम होना चाहिए था जितना हम रेवेन्यू देते हैं उस अनुपात में इस जिला में कोई काम नहीं किए हैं। अच्छा, इसलिए यहाँ के लोग नीतीश जी के प्रति काफी नाराज हैं। अच्छा, ये नाराज। अच्छा, एक चीज आपने कहा कि रामविलास पासवान अब तो नहीं है इस दुनिया में, उनको बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि है, उनके पुत्र है चिराग पासवान, जी, जी, है ना जी। उनका एक बड़ा आजकल नारा बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि मोदी से बैर नहीं और नीतीश कुमार तुम्हारी खैर नहीं, एनडीए से, एनडीए में हैं भी और बाहर भी हैं, मतलब दिल्ली में जब हैं, दिल्ली में एनडीए में हैं, पटना आते आते एनडीए से बाहर हैं, और JDU जहां जहां कैंडिडेट है, JDU को जो सीट मिला वहां वहां पर चिराग अपने कैंडिडेट को उतार दिया उन्होंने, है ना। ये जो कैंडिडेट उतार रहे हैं, आपके इलाके में भी उतर गए होंगे कैंडिडेट, जी, जी, जी। रोहतास जिले में 7 विधानसभा है जी, तो उसमें JDU कितने सीट पर लड़ रही है? JDU 5 सीट पर लड़ रही है। 5 सीट पे, 7 में 5 और 2 पर बीजेपी, 2 पर बीजेपी। तो ये जो 5 सीट है, क्या वहाँ पर ये पहले चरण में है? जी, प्रथम चरण में। तो ये 5 सीट पर लोजपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं? जी, उतारा है। अच्छा, ये कैंडिडेट कौन है, कहाँ से लेकर के आए? ये सभी कैंडिडेट जो है NDA घटक के ही पहले के कार्यकर्ता है और मजबूत घटक दल के वो कार्यकर्ता है जो काफी प्रभाव डाल रहे हैं NDA के वोट पर, और हम समझ रहे हैं कि NDA के वोट को वो झटकेंगे। ये मेरी भी, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि चिराग फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, और हालांकि कहानियां तो कई तरह की कही जा रही हैं, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि BJP कभी नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ डिनर पे नहीं बुलाया था, 2014 के पहले की बात है, तो मोदी जी के बारे में प्रचलित है कि वो किसी का सूद ब्याज कुछ रखते नहीं है, मतलब मूलधन किसी का नहीं रखते, सूद के साथ वापस करते हैं, तो दूर भी किया और नजदीक भी। ये कॉलेज वॉलेज में पढ़ते थे, था ना वो रोमांटिक रोमांस, ये वैसा वाला रोमांस है, जो एक भाई साहब कह रहे थे ना एक पिछले एपिसोड में कि चुनाव बड़ा रोमांटिक हो गया है, तो ये वो वाला रोमांस है। और एक एक आशंका ये थी कि चिराग उन लोगों को ही टिकट देंगे JDU जहां जहां से लड़ रही है, जो वहां पे प्रबल दावेदारों की सूची में थे, किसी एक को टिकट मिलना है, बाकी छट गए, उनमें से जो सेकंड नंबर वाले थे उनको टिकट दे दिया, जिस बात का जिक्र भाई साहब भी कर रहे हैं। ये डैमेज कितना परसेंट तक कर सकता है NDA को? तो काफी, जदयू को काफी
मैंने डैमेज करेंगे चिराग जी। हम समझ रहे हैं कि देहात में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रचार किया जा रहा है कि कमल और झोपड़ी अपना है, तीर को भगाना है, तो इस तरह अच्छा, का ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता प्रचारित कर जी रहे, प्रचार कर रहे हैं कि कमल और झोपड़ी अपना है, तीर को भगाना है, और हम समझ रहे हैं कि इससे तीर को काफी नुकसान हो रहा है, बीजेपी के बनिस्पत तीर को काफी नुकसान होगा बिहार में। अच्छा, ओम प्रकाश तिवारी जी हैं, बहुत ही पुराने और स्थानीय पत्रकार हैं, बड़े सीनियर पत्रकार हैं। ये आपके इलाके में 7 सीटें हैं जी, जी, है ना जी, इंक्लूडिंग सासाराम जी। यहाँ क्या समीकरण देख रहे हैं आप जी? देखिए, पूरे बिहार के संदर्भ में यदि हम सासाराम को देखें तो बिहार में जो राजनीतिक समीकरण जिन लोगों ने बनाया है, बीजेपी, एनडीए और लोजपा को लेकर के, उसका साफ असर रोहतास में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ जेडीयू ने जहाँ 5 सीट से अपना कैंडिडेट खड़ा किए हुए हैं, लोजपा उनके पैरेलल भी अपना 5 सीट दिया है, 2 बीजेपी का सीट है, वहाँ लोजपा ने सीट अपना नहीं दिया है। और रोहतास जिला की, खासकर सासाराम मुख्यालय की हम बात करें जहाँ से पॉलिटिक्स की, राजनीति की शुरुआत होती है और यहीं आगे समाप्ति भी होता है, यहाँ जातीय समीकरण की यदि हम बात करें तो यहाँ विचित्रता का समीकरण है। यहाँ कुशवाहा बहुल इलाका है, कुशवाहा बहुल इलाका के नाते अभी तक जितने भी विधायक पहले से रहे हैं वो सासाराम प्रॉपर, जी जी सासाराम की बात करते हैं जी, सासाराम विधानसभा, तो यहाँ कुशवाहा बहुत इलाका है, कुशवाहा के ही विधायक यहाँ रहे हैं, तो हर पार्टियां चाहती हैं कि हमारा वहाँ कुशवाहा ही, वहाँ हमारा प्रत्याशी भी हो। लेकिन इस बार जेडीयू ने तो कुशवाहा को दिया क्योंकि आरजेडी से टूटकर आए थे, अशोक कुशवाहा जी पहले आरजेडी के यहाँ विधायक हुआ करते थे, कई बार उन्होंने रहा, फिर वो अपना पार्टी छोड़कर जेडीयू में चले आए, तो फिर आरजेडी ने, आरजेडी छोड़कर ये अशोक जी आ गए जेडीयू में, तो आरजेडी ने एक राजेश गुप्ता नया कैंडिडेट को यहाँ अपना ये कैंडिडेट बनाया है। तो मुझे लगता है कि राजेश गुप्ता कुशवाहा नहीं, बनिया है जी, बनिया का वैश्य समाज से आते हैं, तो इसका भी बड़ा असर पड़ेगा मुझे लगता है यहाँ सासाराम के संदर्भ में। लेकिन यदि पूरे रोहतास के संदर्भ में देखें तो चूंकि नीतीश कुमार के कार्यकाल को पूरे बिहार वासियों ने 15 साल से देखा है, और सर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में प्रजा की बात ही सुनी जानी चाहिए, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए, ऐसा सीएम होना चाहिए, ऐसे पॉलिटिक्स के हेड होने चाहिए। लेकिन यहाँ बिहार में जो स्थितियां देख रहे हैं, जो संदर्भ बन रहे हैं, उसमें लग रहा है कि जनता की कोई बात को सुन नहीं रहा है। अच्छा। न अधिकारी सुन रहे हैं, न राजनेता सुन रहे हैं। अभी तो फोन लोग, पॉलिटिक्स के लोग या विधायक हो या सांसद हो, फोन तो उठा लेते हैं, लेकिन इसके बाद कोई फोन आपका उठाने वाला नहीं। तो हर बार होता है ना तिवारी जी, वो हर बार होता जी, है जी, जी, हर बार फिर पब्लिक वोट देती है जी, जी, जी। ये जातीय समीकरण जो जात है, आप दोनों से सवाल, आप भी आ जाइए सर जी। जो जात है, जातीय समीकरण, जो जातीय गोलबंदी है जी, जी। वो इस बार भी होगा ही होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं होना है, होना नहीं होना है जी, उसके बिना तो चुनाव बिहार में कहीं चुनाव नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा, होना ही होना है, उसका असर तो पड़ेगा। ये जातीय समीकरण, लेकिन इस पर एक चीज हम कहेंगे जी कि खास तौर से बिहार में स्वर्ण वोटर को माना जाता था बीजेपी का वोटर, इस बार स्वर्ण वोटर में नाराजगी है बीजेपी के प्रति भी, बीजेपी के प्रति जी। क्यों? इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे थे कि बिहार में जो हमारा स्वर्ण का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए राज्य स्तर पर और सेंट्रल स्तर पर, वो बीजेपी के अंदर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा। इसलिए नाराजगी है, वो वोटर कहूँ ना कहूँ दूसरे जगह भी अपना ताक झक कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए स्वर्ण में हम ब्राह्मणों की बात कर जी, रहे हैं, है ना जी, ब्राह्मण भी 2 तरीके से हो गए, गंगा पार उधर हो गए, मैथिल और कानकुजे हो गए, तो इस इलाके में ब्राह्मणों का क्या रुझान है? इधर रुझान जहाँ बीजेपी का कैंडिडेट है, जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट है, वो दोनों तरफ वोट मारेगा। जहाँ तक मैटर है कि जहाँ दोनों का कैंडिडेट नहीं है, जैसे लोजपा है, जदयू है या बीजेपी है, तो वहाँ चूंकि पहले से तो वोटर एनडीए का है, रहा है, लेकिन अंदर अंदर कहूँ पीस है। दूसरा बात ही हम कहना चाह रहे थे, हमारा जिला धान का कटोरा है, आज जो कृषि बिल आया है देश के अंदर, उस पर भी किसानों के अंदर नाराजगी है। अच्छा। हमारे जिला में कोई औद्योगिक क्षेत्र लगाया नहीं गया है, यहाँ एक नौजवानों का बहुत बड़ा फौज है जो बेरोजगार है, वो भी नौजवान आज के डेट में सत्ता परिवर्तन का बात सोच रहे हैं। इसलिए कि तेजस्वी ने कह दिया कि हम रोजगार देंगे, तो कहना और करने में बड़ा फर्क होता है ना? ऐसा बात है सर, इससे पहले भी 2 नौजवान हमारे देश में ठगे गए हैं, 77 हो, 89 हो या 2014 हो, केवल आशा पर ही लोग वोट देते हैं। इस बार भी नौजवान का आशा जगह है तेजस्वी में, हो सकता है कि हमको रोजगार दें। ये दोनों लोग जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन तो रहे हैं। तो आपके अनुसार क्या लग रहा है कि क्या हालात रहेंगे? वोट ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा।
मतलब किसका कहाँ किसका होगा? एनडीए का ट्रांसफर होगा। एनडीए का कहाँ ट्रांसफर होगा? कांग्रेस राजद। अच्छा, कितना परसेंट आपको लगता है कि, हालांकि ये तो पता चलेगा 10 नवंबर को, लेकिन कितना, चूंकि आप लोग यहाँ रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं, एक कैंडिडेट के ऊपर है कितना मेहनत कर रहे हैं उस पे डिपेंड है, लेकिन ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, हो सकता। जो पहले इंटैक्ट रहता था वो नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। ये अखबार लोग बेच रहे हैं, लोग खरीदने भी आ रहे हैं। हाँ। है ना, तो सबसे जुड़े हुए हैं। क्या बिहार चुनाव का मूड कैसा लग रहा है? मूड कहता है ये हम कैसे कह सकते हैं, फिर भी क्या लोग क्या बातचीत करता है? बोला भाई, बिहार चुनाव में क्या मूड लग रहा है? अखबार बेच रहे हैं, खबर खबर चारों तरफ, सभी लोग सर यहाँ परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा ना, कम से कम यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है। कितने साल से पुराने कैंडिडेट यहाँ जीत रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हर लोग चाहते हैं कुछ नया चेहरा यहाँ पे आए। अच्छा, यही हम लोग का मतलब। तो पुराने कौन जीत रहे थे यहाँ से? यहाँ पुराने में अशोक जी थे, जवाहिर थे, ये लोग जो है ना, ये बहुत साल से जीतते आ रहे हैं। पार्टी से? पिछले बार तो राजद से जीते थे, अब की बार जदयू में हो गए अशोक जी। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो पार्टी तो बदल गया ना कम से कम? हाँ, पार्टी तो बदल गया है। तो आदमी बदलना चाहते हैं? जब आदमी कोई काम नहीं करेगा तो पार्टी के सिंबल से क्या है सर, बोलिए। अच्छा। आप हैं और किसी भी पार्टी में आए और कोई काम ना करें तो आपके रहने से क्या फायदा? पार्टी तो हम लोग नीतीश जी के पक्ष में ही है, नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं बिहार के लिए। लेकिन यहाँ जो कैंडिडेट है वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आ रहे हैं बस अपने ही पक्ष में रह रहे हैं। तो परिवर्तन किधर होगा? अब देखिए ये सर, ये तो लोगों का मत जो है, ये तो अपना अपना मत है, किधर हो जाए। आपका मत है कि परिवर्तन होना चाहिए? जी, सासाराम में तो बहुत जरूरी है, रोहतास जिला में। क्या सर बोल रहे हैं, किस टॉपिक को बोल रहे हैं? बिहार चुनाव में क्या रहेगा हिसाब? बिहार चुनाव में सर सबसे अच्छा सर नीतीश कुमार का रहेगा। जैसे कि नीतीश कुमार की जितना जो है 15 साल में जितना काम किए हैं, वो 1990 का जो दशक था लालू जी का, उस समय जो जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन बिहार की स्थिति सर जो है नीतीश कुमार जी 15 साल में बहुत अच्छा किए हैं, रोड से लेकर के शिक्षा एजुकेशन हर एक व्यवस्था की है। नीतीश कुमार को रिपीट करना चाहिए। नीतीश कुमार ही सर जो है इस बार फिर उनको आना चाहिए। सब बाहरी गरीबों के मुंगा रहा है, ठेला वाला दर्जी वाला फल बेचने वाला सब मर रहा है। अब इसके बीच में कांग्रेस हम लोग चाहते हैं, कांग्रेस के रीजन में सामान सस्ता था। अच्छा, लालू जी के हम लोग चाह रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस लालू जी। हाँ, ये चाह रहे हैं। हाँ, है? सब लोग कांग्रेस। हाँ। सर यहीं से हैं आप? हाँ, यहीं के। ये चुनाव चुनाव है तो आपकी तो उम्र है, बहुत सरकार देख लिए, इस बार क्या लगता है क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, एकदम परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, मतलब किससे दिक्कत है? नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से कि व्यवस्था से कि जो है उनकी तरफ दिक्कत है। व्यवस्था से दिक्कत है जी। तो ये परिवर्तन, तो परिवर्तन में कौन? परिवर्तन में कि ना जो कि ना अच्छा कि ना व्यक्ति मिले उसको कि ना मतदान करना चाहिए। अच्छा, व्यवस्था से दिक्कत है नीतीश कुमार नहीं, व्यवस्था से दिक्कत जी, है। और व्यवस्था तो नीतीश कुमार ही चला रहे हैं। चला रहे तो नीतीश कुमार से जो है कि ना दिक्कत हो गया, तो परिवर्तन चाहते हैं, एकदम परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक। यहीं से हैं? अच्छा, बाहर से हैं। अच्छा सर, यहीं से हैं, सासाराम से? नहीं, बोलिए। आप क्या स्थिति है चुनाव का, क्या मूड मिजाज है यहाँ? मूड हमको सर राष्ट्रीय जनता दल का है। अच्छा, दारू बिक रहा मना है सरकार से, दारू जगह जगह देखिएगा बिक रहा। हाँ। गिट्टी देखिएगा मना है, गिट्टी सगर चल रहा है। हाँ। सब सरकारी आदमी पैसा कमा रहा है, बालू में वही दशा है, इसमें वही है जो है। हम इस समय राजद के हैं। अच्छा, राजद को परिवर्तन? ये नीतीश खाली दारू बंद किए हैं, बालू बंद किए हैं, गिट्टी बंद किए हैं, बाकी सब चल रहा है। जिन्हें देखिए उन्हें बिक रहा दारू, घरे घर दारू बिक रहा। अच्छा। दारू कहे बंद है, दारू बंद है। इन लोग के विधायक है, इन लोग खाली अफसर लोग कमा रहा। जहाँ देखिए गाड़ी जब्त तो हो जा रहा, पैसा लेके छोड़ा जा रहा। अच्छा, परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं सर। ठीक है, क्या क्या माहौल है चुनाव का जी? चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में माहौल जो है इस बार, माहौल जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं है।
अच्छा नहीं है जी। नया सरकार, युवा सरकार हम लोगों को बनाना है। अच्छा, क्योंकि जो मतलब तेजस्वी जी, तेजस्वी की तरफ जाएंगे जी, तेजस्वी की तरफ, इस बार तेजस्वी की तरफ परिवर्तन जी, परिवर्तन। ठीक है, आप भी यहीं से हैं? कहाँ से? कुदरा से हैं। है? कुदरा से, कुदरा से हैं। अच्छा, तो यही इलाका भाई लो। क्या चुनाव का क्या है हिसाब किताब? चुनाव का हिसाब जो चल रहा है ठीक है, नीतीश कुमार का जो काम जो हमारा काम हुआ है बिहार में वो हिसाब से ठीक है चल रहा है। ठीक चल रहा है नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार दोबारा बनाना चाहिए। हाँ, दोबारा बनाना चाहिए, जो काम किए हैं, बिजली बनाए, सड़क बनाए हैं, तो दोबारा बनाना चाहिए। ठीक है, ठीक। आपको क्या लगता है सर? सर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है अभी नीतीश कुमार की, उनको रिपीट करना चाहिए या कोई परिवर्तन? परिवर्तन होना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, वजह? उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया है। जो तो अभी बोल रहे थे सड़क बन गया, ये बन रहा है, वो बन रहा है। नहीं, जब आम जनता सड़क बना है, ये हम इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए जैसे बालू है, मिट्टी है, जो किसान परेशान है, आम पब्लिक परेशान है, ये सभी बातें हैं। सड़क उन्होंने बनवाया है, इसमें कोई जुड़ा नहीं, सड़क का विकास हुआ है, लेकिन अन्य मामलों में काफी भी है। मकान बनाने के लिए शराबबंदी का है, शराबबंदी का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ शराब 10 रुपए में मिलते थे, 20 रुपए मिलते थे, आज 100 रुपए मिलते हैं, 200 का शराब 500 मिलता है और घर घर मिल रहा है और प्रशासन के नाक के नीचे बेचा जा रहा है, ये सभी बातें हैं। तीन परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए निश्चित। ठीक, आइए जरा सा रैंडम सैम्पलिंग है, जरा कुछ और चटालते हैं। भाई साहब अखबार पढ़ रहे हैं। नमस्कार, ये तो पूरा आप अखबार एकदम चुपचाप पढ़ रहे हैं। चुनावी समर में कूदी 17 महिलाएं जी, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल, जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है? हाँ। क्यों? इसलिए कि यहाँ जितनी देख रहे हैं है। कि जितना अब माने न सहाल हो रही है, कोई भी काम जो ई हो रहा है, अभी बलात्कार हो रही है, ऐसी सारे बलात्कारी देखकर लोग चाहता है कि हम कैसे राहत पाए। राहत में देख रहा है कि हमें रोज प्रतिदिन बलात्कार, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। अच्छा जी, परिवर्तन में फिर कौन? परिवर्तन में अभी आंगे तो राजद है, राजद है, कांग्रेस राजद। हाँ, राजद आंगे है। लोग चाहता है कि हर जगह कहीं भी देखा जा रहा है, कहीं मंदिर में साधुओं को मुआया जा रहा है, मृत्यु कराया जा रहा है, कहीं लाठी डंडा से पीट कर। अभी देखिए कितना बड़ा घटना हुआ है कि जाकर घास गहने जा रहा था दो अपने बेटी के साथ, और जाकर बरियारी माने उनके साथ बलात्कार किया गया। तो ऐसी देखकर दुर्दशा, अच्छा दिन कहिया होगा, कि गुंडा का राज बन गई है। इसलिए सब लोग चाहता है कि परिवर्तन हो, परिवर्तन हो जाए। ठीक है, जरा इधर यहीं से हैं सासाराम, कहाँ से आप हैं? स्थानीय। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो ठीक है, लेकिन आप देखिए, लेकिन इस बार परिवर्तन है। परिवर्तन है? हाँ। क्यों, नीतीश कुमार से कुछ नहीं है? नीतीश कुमार का है, लेकिन 2 साल पहले का, जो 10 साल पहले का विकास देखिएगा ना, तो नीतीश किए है, लेकिन ये जो 5 साल है, जो गठबंधन तोड़ के इधर आया है, इसमें कुछ नहीं किए हैं, नो प्रोग्रेस। तो परिवर्तन है? हाँ, इस बार परिवर्तन है, युवा बोल रहा है तो सोच लिए कि परिवर्तन है ही। क्या लगता है सर? हमारा घर सासाराम पड़ता है और हम सासाराम के रहने वाले हैं। बिहार में परिवर्तन की तो हवा बह रही है, लेकिन यहाँ परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ के विधायक जो हैं अशोक कुमार सिंह 1 अरब से ज़्यादा रुपया खर्च कर चुके हैं और आज भी मेहनत कर रहे हैं, जहाँ कि अगले साल तक मतलब सासाराम में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी बिहार में हो जाएगा अन्य जगह, चूंकि यहाँ के विकासशील विधायक हैं, तो मतलब यहाँ वाले विधायक रह जाएंगे, बाकी जगह बदल और जगह परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यहाँ परिवर्तन नहीं होने जा रहे, यहाँ वही रहेंगे, यहाँ वही रहेगा। पहले आरजेडी में थे, अब जेडीयू में, क्योंकि 5 साल के अंदर इतना विकास के काम कराए हैं तो उनके सामने सब फीका है। पहले आरजेडी में थे जी, पहले आरजेडी में थे, अब जेडीयू में गए हैं, विकास के नाम पर गए हैं। ठीक, ठीक है। 1 अरब से ज्यादा रुपया खर्च कर चुके हैं। ठीक है,
ठीक है, ये कुल मिलाकर के क्या माहौल है सर चुनाव का? चुनाव का माहौल परिवर्तन का है। परिवर्तन का है जी। अच्छा, क्यों? मतलब स्थानीय विधायक से कुछ नहीं है कि पटना में मुख्यमंत्री और उस सरकार से कुछ नहीं है? देखिए, परिवर्तन में दोनों को देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है। अच्छा, तो यहाँ परिवर्तन का माहौल जो बन गया है, इसमें महागठबंधन के लोग चाह रहे हैं, महागठबंधन आगे चल रहा है। अच्छा। अभी तक जो रिपोर्ट है, मतलब तेजस्वी कांग्रेस लेफ्ट जी है? जी, वो आगे चल रहा है जी। ठीक है सर, तो ये सासाराम की बात है। बिहार के इस सफर में लगातार बने रहिए, थर्मामीटर हम लगाते रहेंगे, टेम्परेचर आप नोट करते रहिए। अब चलते हैं जरा इसके बाद ओबरा। ओबरा में भी बड़ा सुना है, घमासान है। आइए चलिए, सासाराम के बाद अब हम पहुंच गए हैं औरंगाबाद, और ये रमेश चौक है, और ये देखिए गाड़ियां जा रही हैं। थोड़ा जरा यहाँ मूड पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। औरंगाबाद पुराने बिहार के पुराने जिलों में एक है और बड़ा शहर है, और एक संपन्न, सुखी संपन्न कह सकते हैं इलाका है। ज़रा सा देखते हैं, बात करके कोशिश करते हैं। औरंगाबाद के हैं जी सर। है? बिहार में चुनाव चल रहा है जी जी। है? जी सर। तो ढेर पैसेंजर वसेंजर लेके घूमते हैं, क्या माहौल है आजकल? माहौल तो ठीक है सर, अभी तो कोई पता भी नहीं, अभी चुनाव समय नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार का काम ठीक है? नीतीश कुमार तो ये है, लेकिन अभी तो समय से भी बता बन जाएगा। अभी कुछ बदलाव भी हो सकता है क्या? जरूर बदलाव तो कुछ होना ही चाहिए। बदलाव होगा? जरूर होगा सर, बदलाव तो होगा जरूर। मतलब तेजस्वी के तरफ? जी सर। है? तेजस्वी सर अभी तो नया नया उम्र का भी है, अभी तो उनका कोई माहौल नहीं अभी खड़ा हो रहा है, तो इन समय से बताया जाएगा, अभी समय का अनुकूल चर्चा चलेगा। मतलब नीतीश कुमार से खुश है कि नहीं है? नीतीश कुमार से तो सर खुश तो है, पहले ये थे, लेकिन अभी भी तो माहौल में अभी नाराजगी भी चल रहा है सर। नाराजगी चल रहा है जी सर, थोड़ा देर के लिए। अरे ऐसा ऐसा बिहार में अभी तक कहाँ तक, बिहार में सर कहाँ कुछ अभी तक कुछ की हुआ? 10 साल तो सर चलाए नीतीश कुमार जी, राज चलाए, कहाँ बिहार में कुछ विकास देखे? हम लोग तो 20 साल उम्र हो गया, कहाँ सर कुछ देखे अभी तक। तो मतलब बदलाव है? जरूर सर, बदलाव तो होना ही चाहिए। माहौल तो सर अभी दिख रहा है अच्छा, सभी पार्टियां अभी लगी हुई हैं अपने अपने प्रचार में। वो तो सबको लगना है भाई। हाँ सर, लोकतंत्र में ये सर। लेकिन लगता क्या है कि अगली बार सरकार किसकी बननी चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो लगता है नीतीश कुमार ही आएंगे। रिपीट करें? हाँ, नीतीश कुमार ही आएंगे। क्यों? उनका काम अच्छा है, और साफ सफाई वगैरह, शहर का हालत भी आप देख सकते हैं, काफी बदला है पहले से। मतलब काम हुआ है? काम हुआ है। नीतीश कुमार को एक और मौका दिया जाना चाहिए। ये सर, दिया जाना चाहिए। ये सर, ये तेजस्वी कहते हैं जितना लाख कितना क्या नौकरी दे देंगे, उसके बारे में क्या होगी? सर बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। बोलने का तो बहुत ही अडम्बर बनाया जा सकता है, लेकिन धरातल पे जो काम होगा वही सब कोई देखेगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं तो एक मौका मिलना चाहिए? हाँ सर, एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर। यही औरंगाबाद से हैं जी? हाँ। अच्छा सर, हम लोग जरा पूरे बिहार में घूम रहे हैं जी जी। और बिहार का चुनाव है जी। तो जरा एक मूड, सरकार, पार्टियां, उसके बारे में क्या लोगों की राय है जी जी। अगली सरकार कैसी चाहते हैं जी जी। इस पे जरा सा एक विचार जानने की ये कोशिश। जो भी सरकार आए, अच्छी सरकार हो, अच्छे ढंग से बिहार को चलाएं, वही अच्छे लोग हैं। कौन लगता है आपको, आपके सामने कई सारे विकल्प हैं, कौन लगता है कि बेहतर? हमारे बिहार में नीतीश बाबू से बढ़िया तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं नजर आता है। तो चूंकि नीतीश को ही रिपीट करना चाहिए जी जी। हा? बिल्कुल ठीक है, ये हमारा मंतव्य है अपना। नहीं नहीं, हम तो देख रहे हैं कि बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत ठेला पे बेच रहा है, कोई मजदूर कर रहा है, दुकान काम ना मिल रहा है, नौकरी कौन दे देगा? कोई नहीं दे, बढ़िया सरकार होना चाहिए कि थोड़ा बढ़िया सरकार, मतलब अमेरिका से कोई नहीं आएगा ना? ना, ना, सोच समझ, हाँ तो सोच समझ के वोट दिया जाए। तो किसको देना चाहिए आपके अनुसार? किसको देना चाहिए? देना
आप चेंज किसी सरकार दूसरा सरकार चेंज किया जाए किसी को भी चेंज करना चाहिए चेंज पप्पू यादव या उपेंद्र कुशवाहा चाहे कोई के भी सोच समझ के दे देना हाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है सर आपकी क्या राय है अगली सरकार किसकी और कैसी क्या राय इसका रीजन बहुत गरीबी हो गया बहुत बेरोजगार हो गया है बहुत पलायन कर रहा है लोग इतना आया कोरोना के दौरान कभी भी नहीं बोले नीतीश कुमार और न बेरोजगार को रोजगार दिया है सब लैपटॉप टांग करके चल रहा है इधर से तो मारे फिरे चल रहा है बाढ़ आया बाढ़ में कोई ध्यान नहीं खाने का ना पीने का ना कुछ नहीं इसलिए हम लोग नीतीश कुमार को नहीं देंगे तेजस्वी को वोट देंगे हाँ हाँ तेजस्वी को देंगे आपको उम्मीद उससे उसी से उम्मीद है नौजुवक है नया ब्रांड है नया काम करेगा हरियाणा में मौसम बदल गया हो यहाँ राजनीतिक तापमान भी जबरदस्त है और सूर्य भगवान भी अपने चरम पर हैं जबरदस्त गर्मी है औरंगाबाद से हैं सर आप अच्छा हम लोग जरा पूरे बिहार में घूम रहे हैं और एक जरा लोगों का विचार जान रहे हैं कि सरकार कैसी हो अगली बार किसकी हो कई लोग खड़े हैं तो आपके अनुसार क्या लगता है हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है सर हम लोग को जो युवा लोग को जो चाहिए वो चीज़ हो नहीं पा रहा है क्या रोजगार चाहिए बस क्यों रोजगार चाहिए जब इलेक्शन आती है उसी समय इन लोग को रोजगार भी समझ में आता है उसी समय वैकेंसी भी नज़र आती है बाकी भी वैकेंसी गायब रहती है बाकी पाँच साल जो है चार साढ़े चार साल जो वैकेंसी गायब है इलेक्शन आ गया हर तरह के वैकेंसी देना चालू कर देते हैं वो भी इलेक्शन के बाद भी जब होगा तो रिजल्ट नहीं किसी का होगा कोई कैंसिल होगा कुछ क्या होता है समझ में नहीं आता तो अगली सरकार किसकी होनी चाहिए आपके अनुसार जो आप लोगों की समस्या जो विकास करे रोजगार दे उसको कौन 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 यही तो आज तक समझ में नहीं आया जब से हम देख रहे हैं लगभग तीन बार से हम इलेक्शन में वोट दे रहे हैं लेकिन आज तक हमें समझ में नहीं आया जैसे एक नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री का चेहरा एक तेजस्वी यादव है मुख्यमंत्री का चेहरा उधर कुशवाहा भी हैं पप्पू यादव भी हैं सबका अपना अपना गठबंधन है इन्हीं में से किसी को चुनना है कौन बेहतर है बेहतर तो नीतीश कुमार ही हैं उसके हिसाब से उन लोगों के हिसाब से वही हैं नीतीश कुमार बाकी तो समझ लो जो होना होगा सो होगा मतलब नीतीश कुमार को रिपीट करना चाहिए हाँ होना चाहिए पहले की अपेक्षा तो सही ही जो भी किए हैं कुछ सही किए हैं लेकिन थोड़ा रोजगार पर ध्यान उनको देना चाहिए फिलहाल आप भी सर यहीं से हैं सर यहीं से अच्छा आपको क्या लगता है अगली सरकार किसकी बननी चाहिए और क्यों सर ये तो हम नहीं बता सकते हैं लेकिन हमारा जो राज्य का जो विकास करेगा उन्हीं का सरकार बनना चाहिए मतलब कौन करेगा मतलब कोई अमेरिका से तो आएगा नहीं सर चाइना से यहीं के लोगों को करना होगा तो नीतीश हैं तेजस्वी हैं पप्पू का है कुशवाहा है तरह तरह के लोग हैं ऐसे नीति से अच्छा रहेंगे आप यहीं से हम तो देहात से हैं देहात से आगे से है अच्छा कहाँ से वार से है वार शिवगंज वार बिहार में चुनाव है तो क्या आपको लगता है होना चाहिए सरकार बदलाव होना चाहिए कुछ बदलाव होना चाहिए बदल के किसको जिनको बदल जाए हैं जो बदल के आ जाए मतलब कौन आ जाए बदल के जो तेजस्वी आए अच्छा तेजस्वी बदल देना चाहिए क्यों उसे आएंगे तो और ज्यादा उसे बढ़ेगा रोजगार बेरोजगार हुआ है कैसे बेरोजगारी कुछ दूर हो अच्छा रोजगार के लिए ठीक है चलिए तो हम लगातार यहाँ पर सर आप यहीं से हैं हाँ यहीं के हैं अच्छा एक मिनट सर आपका समय चाहेंगे हम लोग आजकल बिहार में घूम रहे हैं अच्छा। और अभी जो विधानसभा चुनाव है तो अगली सरकार कैसी होनी चाहिए किसकी होनी चाहिए किससे उम्मीद है तो आपको क्या लगता है आपके व्यक्तिगत आपकी जो राय है वो क्या है व्यक्तिगत राय तो है सरकार खासकर इस विधानसभा से टिकट पर जो दोनों में जबरदस्त है महागठबंधन और क्या नाम है राजद में तो एक फाइनल कोई नहीं कह सकता है ये कौन जीतेगा दोनों तरफ से
अनोखम नहीं है। आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए, क्योंकि एमएलए चुनेंगे उसी आधार पे पटना में सरकार बनेगी, तो किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो अभी सेंट्रल में जैसे है तो बहुत बढ़िया है मोदी की सरकार, लेकिन पटना में जो है मोदी जो नीतीश की सरकार है कुछ ऐसे ऐसे हम भूतपूर्व सैनिक हैं, सैनिकों का हक इन्होंने मार दिया है, नीतीश कुमार ने क्योंकि हम लोगों को राशन मिलता था क्या महीने में दारू, गुजरात में दूसरे स्टेट में भी इस तरह का है, बंदी है, लेकिन वहाँ सभी को मिल रहा है और स्टेटों में, लेकिन बिहार में 2016 से इन्होंने सैनिकों का जो है सो वो पता सा यहाँ से यदि पास करा करके जो है सो बिल्कुल बंद कर दिया है। वो ये बताइए कि जब रात वो क्या हम लोगों का राशन में आता है, जैसे ले कारगिल कहाँ कहाँ जो आदमी रहे जाड़ा में रहा एक तरह से दवा के रूप में यूज करता है और डेली यूज करता था, उसको तो उन्होंने मार दिया, तो इसका नतीजा ये है कि सैनिक वर्ग जो है तो जरूर नीतीश कुमार से खिलाफ है, लेकिन मोदी से सरकार से जो है तो खुश है, इसलिए खुश है कि काम उन्होंने किया है जनता तो मोदी से खुश है, मोदी से खुश है, नीतीश से नाराज है, अब ये दोनों का गठबंधन है तो क्या करेंगे? अब वही तो कन्फ्यूजन है, अभी कंक्लूजन ये है कि कुछ तो देंगे कि मोदी के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जिनको वो राशन जरूरी था वो तो नहीं देंगे, जैसे हम नहीं पीते हैं, कह रहा कि चलो ठीक है भाई ये राशन कार्ड लिया तो ठीक है कर लिया, लेकिन मोदी को अगले वैसे जो नॉर्मल है वो देंगे ही, वो बढ़ जाएगा वोट, इसलिए कह रहे हैं कि दोनों में कांटे का टक्कर है, खो नहीं सकता है कि बीजेपी, ये नीतीश जी की वजह से बीजेपी को नुकसान हो रहा है क्या? नीतीश जी के चलते हो रहा है बीजेपी को नुकसान। अच्छा, इसमें कोई बीजेपी को नीतीश जी के चलते नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, इन्होंने जो काम किया खूब काम तो किया, लेकिन ऐसे ऐसे पर्टिकुलर वर्ग के लिए जो नहीं करना चाहिए था, हम लोगों ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर दिया कि नहीं ये मामला स्टेट का हाई कोर्ट जाओ, अब कितना पैसा हम लोगों का तो फंड है नहीं कि लड़े कि हम लोगों को राशन का हक दे दे, अगर यहाँ का गवर्नमेंट चाहती तो ये जो था सेंट्रल उसको एग्री होती। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट का बहुत काम किया है। क्या नीतीश कुमार डेवलपमेंट का काम? आज जनता वो नहीं मान रही है, जनता मान रही कि नीतीश कुमार नहीं, जो भी काम हुआ है रोड बिजली सब सेंट्रल का हुआ है, ये मोदी का जो होती है ये अपना यहाँ का फंड से नहीं हुआ है, कि ये कह रहे हैं कि हम बिजली ला दिया रोड ला दिया ये सब पहले नहीं इतने दिनों से कहा था, लेकिन अभी सभी लगा केवल मोदी के चलते, अभी मोदी का प्रोग्राम था इसमें कोई। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। हाँ थोड़ा कुछ और बोलना चाहते हैं सर। लगाइए पहले। हाँ बोलिए। बिहार के औरंगाबाद जिला के रहने वाला हम सब गरीब लोगों को भूखमरी का कारण है, बेरोजगार है, अबरी बार नीतीश सरकार हटाओ और लालू सरकार के तेज सरकार और लालू सरकार के लाओ, हम लोग को गरीबी को दूर करने के लिए सब अपना अपना मंत्री पद लागी मरता है, लेकिन हमने के पेट लागी नहीं मरता है। इस बार लालू यादव सरकार और नीतीश कुमार विधायकों से नहीं जीतेगा। हाँ बदल जाएगा। नीतीश कुमार बिहार के लिए इन्होंने क्या क्या किया ये सब जनता जानती है, इस जानने के लिए मैं उनसे आग्रह करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ। भाषण नहीं अपना बात बताइए कि औरंगाबाद के जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं सबके साथ सहयोग करे, बेरोजगारी को दूर करे। आप कहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। औरंगाबाद का जितने रमधार सिंह हमारे जिला के लिए किए हैं वो बहुत काम किए हैं। अरे यार किसी का प्रचार नहीं करना, आप ये बताइए मुझे, है ना, माइक लगाने के बाद प्रचार ये नहीं है कि माइक लगा दिया तो आप भाषण शुरू। ये बताइए कि आप एमएलए चुनेंगे, पटना में सरकार बनेगी, तो आपके पास एक अभी नीतीश कुमार हैं, एक तेजस्वी लाइन में हैं, एक पप्पू यादव है, एक उपेंद्र कुशवाहा, अगली सरकार किसकी बननी चाहिए जो युवाओं, आप युवा हैं तो आप लोगों की समस्याओं पे ध्यान दें। नीतीश कुमार जी हम लोग के नौजवान के लिए अच्छे हैं। मतलब नीतीश कुमार सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए, अगला मौका भी मिलना चाहिए। जी मिलना चाहिए।
इसलिए को वो जो है नौजवानों के लिए जो भी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे आपको शिक्षा में सुधार जो है से दिए है, हम लोग का एजुकेशन लोन किया है, साथ में जो है रोड बिजली गांव तक जो है अभी सात निश्चय योजना वाला जो काम किया है नीतीश कुमार जी, उनसे हम लोग नौजवान लोग बहुत खुश है। मतलब आप खुश हैं और नीतीश कुमार को दोबारा मौका मिलना चाहिए। ठीक है सर, आप भी यहीं से हैं जी। मेरा सवाल वही है कि अगली सरकार किसकी हो और क्यों? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन। परिवर्तन? परिवर्तन का मतलब क्या? परिवर्तन का मतलब कि 15 साल हम लोग नीतीश कुमार को देखें, अब युवा नेता तेजस्वी का हम लोग देखना चाहते हैं, जो कि युवाओं का भविष्य उन पर टिका हुआ है। अच्छा। बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है कि बिहार के जो लोग पलायन करते हैं, 10 लाख लोगों को नौकरी देने की वादा किया है, उसको हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं। आपको लगता है कि वादा करना और उसको पूरा करना इतना आसान है? लगता तो नहीं है आसान, लेकिन परिश्रम करने पर और नेक इरादा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। आप इस पक्ष में है कि परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन जी। ठीक है सर, ठीक है। चलिए हम जरा सा लगातार यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और यह पुलिस आजकल बहुत एक्टिव है, यहाँ पे जाम लगा रहता है। ये पुलिस वाले लोग हैं, अब इसको सफाई अभियान चल रहा है। शायद हो सकता है हमारा कैमरा, हमारे कैमरे पे इनकी नज़र गई हो और ये आगे बढ़ा दिया, लेकिन फिर पीछे जाम लग जाएगा। ये हालत है यहाँ की। ज़रा कुछ और लोगों को से बात करें, कोशिश करते हैं। मैडम एक मिनट समय ले सकते हैं आपका? हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव है ना, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगली सरकार, महिलाएं हैं या युवा हैं, अलग अलग लोग, अगली सरकार किसकी चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? जो सही सही निर्णय दे हर चीज। कौन ऐसे आपकी नज़र में कौन हो सकता है? अभी तो बता नहीं सकते हैं सर, उसके तो निर्णय होता है जब उसका सही हर चीज का। नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, कैसा लगते हैं वो? क्या आपके आपकी आपका विचार उनके लिए क्या है? अभी तक तो ठीक ही है। तो मतलब उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल, दोबारा मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। थैंक यू। यहीं से हैं सर? यहीं से हैं। हाँ। अच्छा, ये अगली सरकार किसकी और क्यों? नहीं, अच्छा काम नीतीश कुमार का, काम में कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत अच्छा किया है। तो नीतीश कुमार को रिपीट करना चाहिए? हाँ, रिपीट करना चाहिए। हाँ, खुश हैं? हाँ हाँ, एकदम खुश, बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ, हर चीज में अच्छा। यहीं से है सर? अच्छा, हम लोग जरा बिहार घूम रहे हैं कि अगली सरकार किसकी बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? बस जो है उनके रहना चाहिए, नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार को रहना चाहिए इस टर्म में? खुश हैं आप लोग? जी 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 सर। आप भी यहीं से हैं बाबा? अगला सरकार किसका बनना चाहिए? ऐसे तो सरकार जो है उसी को बनना चाहिए। अभी जो है ठीक है नीतीश कुमार? हाँ। खुश हैं आप लोग? जी हाँ, हाँ। काम ठीक चल रहा है? काम चल रहा है ना, सब कुछ चल रहा है, हम लोग को मिल भी रहा है। तो अगली बार भी उनको बनाना चाहिए? हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो ये औरंगाबाद में हम लगातार घूम रहे थे और अब तक पटना से निकलने के बाद दानापुर, बेटा, कोइलवर, आरा, बक्सर, शाहपुर और वो सब, रामगढ़, मोहनिया, सासाराम, भभुआ सासाराम होते हुए ओबरा और फिर औरंगाबाद में है। ये सफ़र लगातार जारी रहेगा। अब हम आपको इसके बाद हमारी और आपकी मुलाकात होगी उस जगह पर जिस जहाँ से शांति का संदेश गया, भगवान बुद्ध को जिस पीपल के पेड़ के नीचे शांति मिली, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस बोधगया की पावन धरती पर अगली बार आपसे मुलाकात होगी। और फिर उसके बाद गया है, गया में फल्गु नदी है और वहाँ पर पितृदान किया जाता है। हिंदू सभ्यता या हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि अपने पितरों के लिए पूजा अर्चना करना ज़रूरी है और उसके लिए सबसे बड़ी जगह गया के फल्गु नदी के तट पर है। तो अगली मुलाकात बोधगया और गया में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी और INH, और हर रोज़
देखिए बिहारी थर्मामीटर मेरे साथ, यह है मूड ऑफ बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।